हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग VRT द राइडर पे, मेरा फर्स्ट मोटर व्लॉग। होप सो आप सब ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल मस्त। तो मेरा नाम है विनय विंस और आप देख रहे हैं VRT द राइडर मेरा चैनल। अब मैं मोटो ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट डे है मोटो ब्लॉगिंग का, मेरा फर्स्ट व्लॉग रहेगा ये, और जैसा भी होगा ये अपलोड कर दूंगा मैं क्योंकि अभी तो मुझे इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज़ के बारे में। मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी, एक टाइम पर ब्लॉगिंग शुरू करी थी, बट वो था नॉर्मल ब्लॉग, जैसे हम जैसे ट्रैवलिंग का चलते फिरते बनाते वैसा कुछ था। यहाँ की ट्रैफिक लग रखा भाई, तो वो था। बट ऑफिशियली मेरे को देखो मोटो ब्लॉगिंग पसंद है क्योंकि मैं बाइक चलाता हूँ ज़्यादा, मुझे बाइकों का शौक़ है तो मुझे वो पसंद है। ठीक है, मैं घूमना फिरना पसंद करता हूँ। लो जी भाई, कर दिया कांड, इतनी गाड़ी तैयार करके कोई फायदा है, बाद में ठोक देता कोई और इसीलिए पैसा लगाने का मन नहीं करता यार जल्दी से बाइक पर और गाड़ियों पर, कोई भी आगे ठोक जाता है नुकसान हो जाता है। खुद तो चलते नहीं, अंदर की तरह चलते हैं। और लगी भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़ोर से नहीं होगी क्योंकि जितना ट्रैफिक लग रखा था मेरे ख्याल से इतनी ज़ोर से तो लगनी भी नहीं चाहिए थी जितनी लग गई। और वो उसका बम्पर वगैरह डेंट पड़ गया था खासा। चलो ऑफ सो सब सही हो जाए उनके लिए। आगे यार ट्रैफिक, मैं बिलोंग करता हूँ मोहाली चंडीगढ़ से और यहीं से यहाँ का ब्लॉगर हूँ, तो जितना भी रहेगा कुछ मोहाली चंडीगढ़ के रिगार्डिंग और आसपास का होगा। ओके, लाइट हो गई है, चलो भाइयों। तो यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है ना मोहाली चंडीगढ़ में, मतलब कम से कम 36 मेरे ख्याल से और उससे प्लस ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे 1-2 बजे तक, उससे पहले हो। देखकर भी जो लोग घुस जाते हैं ना रोड में, वो लोग पता नहीं क्या, मतलब देख भी रहे हैं कि सामने से बाइक व्हीकल्स आ रहे हैं भाई, चल रही है रोड, फिर भी घुसेंगे। 2 मिनट वेट कर लो, जहाँ तो मैं गैप अच्छा दिखता है, जहाँ पे तो मैं बाइक गाड़ी बहुत दूर तक दिखती है भाई कि हाँ दूर है हमसे, डिस्टेंस पे, ये देख वहाँ पर घुसो ना। तो मैं चंडीगढ़ मोहाली से बिलोंग करता हूँ, मैं ये बता रहा था, और यहीं से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मोहाली में। इस टाइम मैं मोहाली में घूम रहा हूँ, चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूँ और बाइक मेरे पास जो है ये FZ 2012 मॉडल, ओल्ड मॉडल है काफ़ी, अभी तो शुरुआत इसी पे करी है। टू नोट क्या आगे भगवान की कृपा रही, आप सबका प्यार रहा तो चेंज करेंगे इसको भी। भाई यहाँ तो निकाल ले, निकाल ले, आगे देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि सोचा तो है बाइक लेने का नहीं, अब कब तक लेंगे ये कुछ नहीं पता। नो इंडिकेटर, नो नेविगेशन, मतलब कोई नेविगेशन नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, और घुस जाते हैं रोड के बीच में, फिर जब लगेगी तो भैया ने मारा, भैया कुछ करता भी नहीं, भैया वैसे बदनाम है। वेल, मैं अपनी बाइक से तो आपको दिखा दूँ, एक ओवरऑल लुक दे देता हूँ यहीं पे साइड पे लगा के। धूप बहुत ज़्यादा है यार, ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा, सिर्फ एक ऐसे नॉर्मल लुक दिखाऊँगा इसको जितनी ज़्यादा। यहाँ पे लगाऊँ, कहाँ पे लगाऊँ, कहाँ पे लगाऊँ ना, लोग तो यहीं लगाता हूँ जहाँ लोग हैं, कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, लोग मुँह की तरफ नहीं देखते यार। तो हेयर इज माई बाइक ओवरऑल लुक, इसकी सारी ओवरऑल लुक ही है, और जो भी रहेगी रिकवरी वैन। तो देख लो भाई, ये है बाइक मेरी जैसी भी है अभी FZ, ठीक है, बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कहीं खड़ के, अभी तो दिक्कत दे रही है गर्मी मेरे को, अभी मेरे को गर्मी दिक्कत दे रही है ज़्यादा।
निकलते हैं यहाँ से। ऊपर से मेरी गलती मेरे से ये होगी कि मैंने ब्लैक डाल रखा है भाई, देख रहे हो ब्लैक डाल रखा है, और नीचे भी लोअर भी ब्लैक ही डाल रखा हुआ है, ग्लव्स ब्लैक, तो इतना तो सबको पता होगा कि भाई ब्लैक कलर खींचता है धूप को, बहुत ज़्यादा चुपती है उसमें। अब इसने मेरे ख्याल से मुड़ना है यार, इंडिकेटर दे तो रहा है, मुड़ जा भाई मेरे, मुड़ जा मुड़ जा। तो यहाँ से चंडीगढ़ हमारा शुरू हो जाता है 40 की तरफ से, मोहाली चंडीगढ़, यहाँ से मोहाली खत्म और चंडीगढ़ शुरू हो जाता है। अभी तक तो मजा आ रहा है बाइक चलाने में, बोलने में भी काफी मजा आ रहा है, पता फील आ रही है भाई खड़े। हमारे यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत है, उन्होंने कैमरा वगैरह देखना तो रोक लेना मुझे। बाय द वे एपेक्स है मेरी बाइक का नाम, और मैं विंज आपको बता दिया, जैसे कि मैंने अब मैं यहाँ से मोटर व्लॉगिंग आज से शुरू कर रहा हूँ, मोहाली चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम भी भाई चाहते कि हमारे भी नाम हो, हमारा भी भाई एक हो कि भाई हमारे मोहाली चंडीगढ़ में से एक अच्छा ब्लॉगर निकल के आया। जो भी थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में सीखने के लिए, हर चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगता है, अगर कोई भी गलती हो, जैसे कि अभी विंड ब्लास्ट हो रहा हो या फिर कुछ भी, क्योंकि मेरे को भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसका, मेरे को इतना पता है कि इसमें विंड ब्लास्ट हो सकती है माइक की वजह से। अरे वाह नाका लगा था रात में, आपने अभी भी लगा है आइस, तो विंड ब्लास्ट हो सकता है ठीक है। और उसके बाद विंड ब्लास्ट के बाद सिर्फ एक यही है कि दूसरा इसमें हो सकता है कि मेरा एंगल ना सही आ रहा हो, ठीक है, होप्स हो यही करूँगा कि मेरा एंगल सही हो, क्योंकि मैंने ब्राइटनेस सिस्टम लो कर रखी है, क्योंकि फ़ोन हीटअप हो जाता है और उसके बाद ना मतलब कैमरा ही नहीं चलता कितनी देर, तो वो बड़ी दिक्कत देता है यार। रेडमी वालों के साथ ना यही प्रॉब्लम है, हीटअप होने के बाद ना फ़ोन मतलब डेड हो जाएंगे, जैसे मर गए होते ना वैसे हो जाएंगे। बस अवॉइड करना, मैं यही बोलूँगा कि अगर मेरे कोई इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो माइक में साउंड में किसी भी तरह की, और प्लस मुझे लग रहा है जो मैंने ये माउंट लगा रखा है उसकी स्ट्रिप्स मेरे से खुली रह गई है, और उसकी वजह से वो ठक 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 आवाज़ कर रहा है, तो शायद वो भी साउंड में आए, तो अवॉइड करना यार। स्टार्टिंग है, फर्स्ट ब्लॉग है, कितना का अच्छा दे सकता हूँ मैं, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और देता रहूँगा कि भी भाई बेस्ट अपना। और अब आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब करके लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी, ठीक है, और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉसिबल हो सके, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि भाई हाँ मुझे आपका प्यार मिले, सपोर्ट मिले, मेरी भी एक फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो। टिल डेट के लिए आज के लिए हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा जितना भी अभी तक मैंने बनाया, जो भी मैंने बात करी आप लोगों से, तो मिलते किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।